Fair enough. I think we're all live once again. So good evening, everyone, once again. This is Dr. Vani and I'm going to be teaching you Kingdom Fungus today. We had a small little technical issue in the last one. So never mind. Chalte hain aage badhte hain aur Kingdom Fungus aapko padhate hain. So guys, can you all hear me and see me? Yes. शाम के 9 बजे की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है. 75 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनटीए ऐप आपको करवाने वाले 11th वालों. आप भी आ जाओ, देखो तो सही आपके सीनियर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है. एनटीए के क्वेश्चंस कितने टफ होते हैं, आपने भी तो 1.5 साल में देने ही है. नीट का मॉक टेस्ट है, गो रजिस्टर योर सेल्फ. तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यही मैं आपको दिखा रही थी. देखिए जेई और मेन्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये है टारगेट. Your JE NEET camp, Vaseem sir, Pulkit sir, me, Anand Prakash sir, Shimon, Shreya Savare, everybody is going to be there. So, ये आपके लिए camp लगने वाला है. Don't miss this. यहाँ पर आपका Independence Day free special test कल 2 से 5 and obviously ये pro membership वगैरह के बारे में तो आपको पता ही है. So many of you are studying with us. हमारे pro membership में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि मुझे कई बार तो I feel like you know कि बस मतलब it is next level amazing. तो सारे बच्चों के लिए एक बार ये तो बनता ही है, राइट? चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस. मेकिंग श्योर कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं. ढोल बजवा दिया मैंने आप लोगों के लिए. चलो यस अनन्या, यस यस यस. आज के बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और गाइस परसों की क्लास तो एक बहुत अमेजिंग क्लास आने वाली है. अच्छा ये मेरे को बता दो एक बार बिफोर एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, इंडिपेंडेंस डे कल 10 o'clock बीस्ट मोड ऑन. मैं श्रेय सर को लेकर आ रही हूँ रे ऑप्टिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स तो मैं नहीं कहूँगी बट लाइक अ वन शॉर्ट लेक्चर ऑन रे ऑप्टिक्स, बिकॉज रे ऑप्टिक्स बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है. तो आई रिक्वेस्ट श्रेय सर कि अगर श्रेय सर आ सकें और एक रे ऑप्टिक्स की क्लास हमारे लिए ले सकें, ठीक है? अब अभिनेश आई विल मेक अनाउंसमेंट अबाउट दैट. और देखिए आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, खूब पढ़ाई कर रहे हो, विच मेक्स अस सो प्राउड एंड सो हैप्पी. बट गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु बायोटॉनिक. लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड इफ यू रियली फील दैट दिस इज योर चैनल, अगर आपको फील होता है कि आपका चैनल है दिस, यू नो यू फील एट होम, दिस इज योर चैनल, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेल अदर स्टूडेंट्स अबाउट आवर चैनल. प्लीज मेक श्योर दैट यू नो आप मैसेज बाकियों तक पहुँचाएं, बिकॉज वी रियली नीड कि बच्चे जो हैं वो देयर शुड बी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक भी बच्चा ऐसा हो जिसको यू नो हु डजंट नो कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं अभी किससे पढ़ूँ, मैं किसको बोलूँ कि मेरी पढ़ाई कराओ यार, मेरे पास आई डोंट हैव मनी, आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो हर एक बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए. अगर बच्चों के पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है देन आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, राइट अंकित? तो हर एक बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए. प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रो मेंबरशिप ले लीजिए गाइस, क्योंकि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यू माइट नीड सम हेल्प. बायो तो आपकी बहुत सॉलिड जा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली 11th आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका अगर 11th वीक रह जाएगा 12th में यू माइट फील इनफीरियर. आपको लगेगा यार मेरा 11th नहीं है, सो वो बैकलॉग्स बहुत परेशान करते हैं. 11th अच्छे से करिए, इसमें बोर्ड एग्जाम भी होता है, इसमें नीट भी होता है. यू नो यू विल गेट अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज इवन इफ यू टेक जस्ट 1 month सब्सक्रिप्शन. तो माइक्रो कोर्सेज क्या हैं, लाइव चलते हैं और टॉपिक्स के चलते रहते हैं, तो आप अपना टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक्स पढ़ सकते हो. यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर 20 आवर्स. इसके साथ आपको हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ लाइव माइक्रो कोर्स मिलेंगे. यू विल गेट माई क्लासेस. आपके घर में 14 बुक्स डिलीवर होंगी, 20 टेस्ट आप दे पाओगे. एंड 1 month फीस फॉर ट्राइंग इज जस्ट ₹2700. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट ट्राइंग फॉर 1 month, देन यू डिसाइड. और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो ट्राई करने के बाद बोलता है कि यार बस अब तो मैं वापस जा रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट. एंड इसका कोड VDPRO है. मुझे पता है आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, फिर भी एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. और KVPY का कोड VKVPY है, बट KVPY लॉन्ग टर्म बच्चों के लिए फ्री है. इट इज़ एब्सोल्यूटली फ्री फॉर द लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स. तो जितने भी बच्चे जो प्रो पढ़ रहे हैं वो KVPY, वो बोर्ड एग्जाम, वो नीट की तैयारी फ्री में कर रहे हैं. पहले आगे चलती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ आज 10 questions का मेंटी लेकर आई हूँ इंक्लूडिंग रिविजन, फिर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आज के क्लास में बताऊंगी.
तो पहले बढ़ते किंगडम फंगस की तरफ। इससे पहले कि मैं किंगडम फंगस की तरफ बढ़ूं, मुझे आज एक आंसर चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगी, राइट? आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ टुडेज क्लास, इसीलिए मैं क्वेश्चन शुरू में पूछ रही हूँ। आज की क्लास में दो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा टुवर्ड्स द एंड एंड वन क्वेश्चन विल बी टुवर्ड्स द बिगनिंग, राइट? रिवीजन मेंटी और दूसरा मेंटी, दोनों मेंटी में एक साथ करवाऊंगी, पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। इज इट क्लियर अंकित? तो आज का क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा है कि जो फंगसेस होती हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। आपको बोले इसको टच मत करो, इसको ईट मत करो, देयर इज टॉक्सिक। एंड दिस आंसर प्लीज डोंट गूगल इट, आई वॉन्ट यू टू यूज योर इमेजिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। दे ऑलवेज टेल यू, अकॉर्डिंग टू यू, वॉट इज द टाइप ऑफ टॉक्सिन विच इज प्रेजेंट विच कैन इन यू नो विच कैन एंटर योर स्किन और हार्म यू बाय टचिंग, विच इज द टाइप ऑफ टॉक्सिन विच कैन एंटर और हार्म योर यू बाय इनहेलिंग, एंड विच इज द ईटिंग अकॉर्डिंग टू यू। मान लीजिए यू आर अ साइंटिस्ट एंड यू आर पार्ट ऑफ द KVPY ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप यू नो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर फाइंडिंग आउट वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। आप अभी टेंथ से आए हैं, आपके हिसाब से टच टॉक्सिन, फ्यूम्स और सम इनहेलेशन टॉक्सिन एंड द ईटिंग टॉक्सिन, वॉट इज द डिफरेंस? कैन यू टेल मी? कैन यू एटलीस्ट ट्राई टू टेल मी, राइट? I'm asking you, what could be the different types of toxins? Eating se kya hoga, inhale se kya hoga? Write it down in the main comment section. And with this, let us start with kingdom fungi. Main comment section so that I can read all your answers. Right? I can read all your answers. This is referred to as toadstools. अगर आपने Alice in Wonderland देखी है, इनको toadstools कहते हैं, वो red color के ऐसे होते हैं, you know. And you've seen that rabbit is happily sitting. Right, everybody? Is it clear? You skip this part in your state board. It is very important from NEET. Question मैं आपको बता रही हूँ that you have to tell me. Suppose fungus is toxic or there can be many products which are toxic. Some products are toxic in touching. Some products are toxic when you inhale them. Some products are toxic when you eat them. What is the toxicity in touching? What is it that enters your skin? What could be the toxicity? What is the toxicity in inhaling and what is the toxicity in eating? You have to tell me this. So this is called as toadstool. This is called as toadstool. What is it called, my dear kids? It's called the toadstool. What are the characteristics of the toadstool? What are the characteristics of the toadstool? It is not prokaryotic. It is eukaryotic. That means it's a cell with a nucleus. It can be unicellular or multicellular, MCQ. They cannot make their own food. They can't make their own food. They can't make their own food. When they cannot make their own food, it is called as they lack chlorophyll. They are more closely related to animals than plants. They are more closely related to animals than plants. Am I right? Am I clear? Are you all understanding? Write to you on the chat section, please. Wherever it is warm and humid, आपको कभी भी icy areas में ज़्यादा fungus नहीं मिलेगी। आपको fungus मिलेगी आसाम में, मणिपुर में, मेघालय में। You'll find it more when it is rainy season across the country. So whenever it is warm and humid, they do have a cell wall. The plant cell wall is made up of cellulose. What is the plant cell wall made up of? So animal cells first of all don't have a cell wall. Can you write this please? एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, मैं क्रॉस बना रही हूँ। प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल होती है, CW सेल वॉल, वो सेलुलोज की होती है। बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है CW, वो नैगनैम की होती है, नैगनैम। और आपके फंगस के पास जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। It is made up of chitin. It is made up of chitin. It is made up of chitin. Am I clear?
Am I clear, everybody? Characteristics of fungi are, most of the fungus are filamentous. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. This is so important. अब मैं आपको बताती हूँ ये hyphae क्या होता है, ये mycelium क्या होता है, कितने, और this is going to be, मैं आपको एक guarantee देती हूँ, अगर आपको समझना है ना कि मेरे को fungus की class समझ में आई या नहीं समझ में आई, आप मेरा एक काम करोगे, मैं comment, आप जाकर ये सवाल अपने सारे जो बच्चे बड़ी बड़ी ट्यूशन्स में जाते हैं ना, और जो सारे बच्चे आपके घर पे पढ़ते हैं, बोलते हैं हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, YT में तो पढ़ाई नहीं होती, ये वो, उनसे जाकर ये पूछना, ठीक है? और अगर उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया तो फिर तो बस बात खत्म, ठीक है, डन, ठीक है? ये हाइफे और माइसिलियम, तो बेटा ये मान लो आपका फंगस का स्पोर है, ये सॉइल का लेवल है, ब्लैक पेन से बनाते हैं, आप पूछना किसी से, और अगर किसी ने इतनी क्लैरिटी से समझा दिया जो मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी, ओके, पिन ड्रॉप साइलेंस। मान लीजिए आपका सॉइल का लेवल है, सॉइल, तो इस सॉइल के लेवल पे मान लीजिए फंगस का एक दाना गिरा, लाइक फंगस जो है ना वो सेल वेल नहीं बनाती है रिप्रोडक्शन के लिए, वो स्पोर बनाती है, क्या बनाती है फंगस, क्या बनाती है, स्पोर, ठीक है, स्पोर, स्पोर, जैसे प्लांट्स क्या बनाते हैं आपको पता होगा, प्लांट्स क्या बनाते हैं, सीड, ह्यूमन क्या होता है, जाइगोट, वैसे फंगस क्या बनाती है, पॉइंट नंबर वन, फंगस क्या बनाती है, स्पोर, मैं इस पे लिख रही हूँ पॉइंट नंबर वन, क्या आप सबको दिखाई दे रहे हैं, मेरी फोटो से छुप तो नहीं रहा है, बताइए मुझे, मेरी फोटो से छुप तो नहीं रहा है, मेरे सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है, यस राइट है, यो अगले 10 मिनट तो दे दो, ये मैंने सॉइल बनाया है, और वॉट इज द फंगस गोइंग टू मेक, फंगस बनाएंगे आपके लिए स्पोर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और हाइड कर देती हूँ मैं अपने आप को, और इसको बाद में बड़ा कर देंगे, अभी फंगस आपको क्या बना के देगी, स्पोर, डन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज ही जाके किसी को बोलना, जैसे ही ये स्पोर सॉइल में जाता है, स्टेप नंबर टू होता है, ये स्पोर करता है जर्मिनेट, जैसे ही ये स्पोर सॉइल में जाएगा, ये स्पोर करेगा जर्मिनेट, क्या करेगा बेटा, ये स्पोर जर्मिनेट, क्या करेगा, जर्मिनेट, क्या करेगा, दोबारा बताओ, जर्मिनेट, तो जर्मिनेट करके, जर्मिनेट करके ये जो है, ये ऐसे एक ऐसे इलॉन्ग, मतलब जैसे ये स्पोर है, एक बनाया, दो बनाया, तीन, ऐसा, तो ये ऐसे बनाता है, इसको कहते हैं हाइफे, क्या कहते हैं बेटा इसे, पार्ट नंबर टू, हाइफे, सो नंबर वन क्या था, रिपीट आफ्टर मी, आप लोग बताओ, 1 2 3 लिख के बताओ चैट सेक्शन में, स्पीड बढ़ा लो प्लीज, सबसे पहले स्पोर आया, स्पोर ने क्या किया, सॉइल में गिरा, स्पोर ने स्पॉइल जाके क्या किया, सिंधु जाजी, एंड में आएगा बेटा मेंटी, जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके क्या बनाया बेटा उसने, व्हाट डिड इट मेक, हाइफे, राइट प्रसन्ना, सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रसन्ना, फर्स्ट द स्पोर केम, देन द स्पोर जर्मिनेटेड इन द सॉइल, व्हेन विल इट जर्मिनेट, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, आई जस्ट टोल्ड यू, इट शुड बी वार्म एंड मॉइस्ट, विल इट जर्मिनेट इन कोल्ड टेम्परेचर, नो, विल इट जर्मिनेट इन ड्राई टेम्परेचर, नो, इट शुड बी वार्म एंड मॉइस्ट, प्लीज राइट डाउन एंड प्लीज गिव मी अ यू ऑन द चैट सेक्शन, प्लीज गिव मी अ गॉटचा इन द चैट सेक्शन, प्लीज गिव मी अ लाइक, एंड वार्म इन द ह्यूमिड कंडीशन, इट्स गोइंग टू जर्मिनेट एंड फॉर्म अ हाइफे, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ हाइफे, नाउ इन द सॉइल you will not have one hyphae, you cannot have one hyphae, so you will have multiple hyphae, and what is the function of these hyphae, the function of these hyphae is to spread in the soil, why should it spread in the soil, so that it can absorb water plus minerals, that's the function, it should be able to absorb water and minerals is a function of this hyphae, right, there are many in color and they are basically creamy, they are basically creamy white in color, is that clear, and they really spread in the soil completely, spread is always underground, they are going to spread and then they are going to absorb water and minerals, that's the function. After spreading in the soil, water and minerals, they are going to come and grow on top. They're going to come and grow on top, and on the top they're going to form something like this, which is referred to as the fruiting body. They're going, so first you need to understand that one of them is called a hyphae, and if there are so many of them, many raised to power infinity, many m, many, it is going to be called mycelium. One is called hyphae, but there when many of them, it is going to be called mycelium. What is it going to be called? Mycelium. What is it going to be called? Tell me. Mycelium.
मिसीलियम. सो दिस इज द अंडरग्राउंड हाइफे. When the hyphae come on top, this is overground hyphae. When the overground hyphae, the group of them come on top, it is called the stalk. And on top of the stalk, you have the fruiting body. Can you see it now? Can you see the fruiting body? Can you see the stalk? And can you definitely, ma'am, 100% I can see the mycelium. The network of hyphae, many of them are called as mycelium. कितने बच्चों को समझ में आ गया? Write a U on the chat section right now. Yes, अब आपने जाकर अपने friends से पूछना है, बाकी बच्चों से पूछना है. मैं आप बताओ आपको कितनी clarity से आता है. Write a U on the chat section, please. Yes, everybody. So this is what I told you. It all starts from a spore. The spore germinates. Once the spore germinates, you get a hyphae, hyphae singular, and then all of them together are called the mycelium. Mycelium is underground and overground, and you have the fruiting body. एक बार आते हैं hyphae पे. अब hyphae जो हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, right? Simple सी बात है. ये आपका hyphae. Now hyphae can be of two types. This hyphae can have parts, compartment. And each compartment will have one nucleus. Mycelium is like the roots of fungi. Right, Shraddha? That's brilliantly said, Shraddha. Very proud of you. And one of them can have no compartments. One of them can have no compartments. If it has compartment, each compartment has one nucleus, it is looking as if it is unicellular. Whereas, agar isme compartment hi nahi hai, isme to koi compartment hai hi nahi. It is looking like it is multicellular. Looking hai nahi, because compartment hi nahi hai na, it is one. Compartment to hum bana hi nahi paaye, we had no ability to form compartment, to wo multicellular lag raha hai. Ek taraf se wo unicellular hai aur ek taraf se wo multicellular lag raha hai. Yes or no? Mujhe aur kuch nahi chahiye, mujhe bas yes or no mein jawab chahiye. Yes or no mein jawab chahiye. सिर्फ येस और नो में है ना. एक तरफ कंपार्टमेंट बन गया तो एक में एक है, बिकॉज कंपार्टमेंट है, वो वॉल है, वो सेल वॉल है, काइटिन की सेल वॉल है, और कुछ नहीं है कंपार्टमेंट. यहां पे सेल वॉल नहीं है तो इट इज लुकिंग मल्टी सेलुलर. बोल दो यो मैम, यो मैम, यो मैम कर दो. अभी तो कर दो यो मैम, बोल दो यस मैम, राइट? परफेक्टो द जिलेटो द विलेटो पक्का. हाँ मैम, पक्का पक्का, डन. इसे कहते हैं सीनोसाइटिक एमसीक्यू क्वेश्चन. व्हाट इज सीनोसाइटिक? नो कंपार्टमेंट्स, मल्टी सेलुलर लुकिंग. मल्टी सेलुलर से ज्यादा आई वुड रैदर यूज द वर्ड मल्टी न्यूक्लियर. न्यूक्लियर ये हर एक यूनिसेल विद वन न्यूक्लियाई. वो लग रहा है यार इसमें तो बहुत न्यूक्लिया है विद वन न्यूक्लियस. अब समझ में आया? लग रहा है एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल में कंपार्टमेंट ही नहीं है ना, तो इट इज लुकिंग लाइक मल्टी न्यूक्लियर. बट इट इज नॉट मल्टी न्यूक्लियर. सीनोसाइटिक को हमेशा इट लुक्स मल्टी न्यूक्लियर. इट लुक्स मल्टी न्यूक्लियर. डिड यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट दैट इट इज मल्टी न्यूक्लियर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एंड बिटवीन बीइंग मल्टी. डिड यू अंडरस्टैंड? MCQ question here is mycelium, MCQ, hyphae, MCQ, germination time, warm and humid, MCQ. Done? The very first one, now this is a very important part. Understood, Manjunath? Gotta hai tu, Diya, Atharva, everybody got it? Dikhne mein lagta hai na, kyunki compartment nahi hai. And hyphae, jo first hyphae hota hai na, first, pehla spore. Ye dekho, spore aya, aur germinate kiya. This is referred to as germinate. Spore aaya, kya kya aayega? Kya kehlayega? Koi spore aaya, germinate kiya. Protonema. MCQ.
वेल डन दीक्षा शर्मा, वेल डन सेल्वा कुमारी. इट्स रेफर टू एज प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा बहुत इंपॉर्टेंट है. फंगस पे सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बायोटोनियंस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज माई गारंटी, वरना वानी मैम का कोई फायदा ही नहीं है दौड़ने का. दिस इज माई गारंटी टू यू. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई आर एसेप्टेट. वॉट आर दीज कॉल्ड कंपार्टमेंट. ये क्या है? सेप्टे. सो इफ समबडी हैज कंपार्टमेंट, आई एम गोइंग टू कॉल इट सेप्टेट. वन न्यूक्लियस, नो कंपार्टमेंट. मल्टी न्यूक्लियर विल बी नो कंपार्टमेंट. सो मल्टी न्यूक्लियर को मैं क्या नाम दूं? इस प्यार को मैं क्या नाम दे दूं? इस फंगस को मैं क्या नाम दे दूं? एसेप्टेट. 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. समझ आया? व्हाई इज एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियर? अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, एसेप्टेट. आया समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड? यो मैम, गॉट इट मैम, बिल्कुल समझ में आ गया मैम. क्यों नहीं आएगा? अब आपने समझा दिया तो बिल्कुल समझ में आ गया. राइट एवरीबॉडी, वेल डन. परफेक्टो द जिलेटो द विलेटो. एसेप्टेट, 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 यही लिखा है. ये बुक्स में लिखा होता फिर समझ में नहीं आता. When you read it on your own, then you don't understand ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं. एसेप्टेट. सो ये क्या? सीनोसाइटिक. एसेप्टेट मल्टी सेलुलर को इन्होंने मल्टी न्यूक्लियर को क्या नाम दे दिया? एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियर को क्या नाम दिया है? वॉट इज एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियर कॉल्ड? सेप्टा क्या है? सेप्टा क्या है? पार्टीशन. सेप्टा इज अ पार्टीशन. डिड यू अंडरस्टैंड? राइट आर यू ऑन द चैट सेक्शन. कितने बच्चों को सीनोसाइटिक नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? सीनोसाइटिक. गॉट इट? इन रियलिटी इज इट अ सेप्टम? इज इट इन रिया? ओके, इन रियलिटी इज इट मल्टी न्यूक्लियर? पार्थ आप बताओ. थैंक्स दीप. इन रियलिटी इज इट? इन रियलिटी इज इट मल्टी? नो 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 नो, इट इज लुकिंग बिकॉज पार्टीशन इज नॉट देयर. इट लुक्स बिकॉज पार्टीशन इज नॉट देयर. Is that clear? It is a cunt sinusitic, aseptate, sinusitic, aseptate. Ek second. Continuous. ठीक है? Multinucleated. और अगर septae हैं, they called a septate. See, single nucleus, single septate. Sinusitic is aseptate, multinuclear. Done. इस बात पे तो बनता है, बनता कि नहीं बनता? यस, ठीक. इस बात पे तो ये भी बनता है. एक और कुछ कराते हैं, ये हमारे इंटरनल बच्चों के लिए करते हैं. इस बात पे तो ये बनता है. नॉट कमिंग, रॉकेट जाता है, वरना वो अभी वेव बुक नहीं है ना. ये बनता है. स्टार स्टार होना चाहिए पर हो नहीं रहा है. ये तो कर ही देते हैं एक बार दोबारा. यस, मेरे बच्चों को सिनोसाइटिस समझ में आ गया, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट. अब आ जाओ डिफरेंशिएशन. सारी फंगस हेटरोट्रोफिक होती है. देयर इज, ऐसा हो ही नहीं सकता फंगस ऑटोट्रोफिक. क्लोरोफिल ही नहीं होता, ऑटोट्रोफिक कैसे हो जाएंगे? नो क्लोरोफिल, ए क्लोरोफाइल. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफिल नहीं होगा, सो ऑटोट्रोफिक नहीं होगी. दे विल बी हेटरोट्रोफिक. डेड डिकेइंग खाएंगी, पैरासाइट होंगी या सिम्बायोंट होंगी. दे विल ऑब्जर्व एब्जॉर्ब मटीरियल फ्रॉम डेड डिकेइंग. जो भी डेड डिकेइंग से खाएंगे सैप्रोफाइट. दे विल डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स. सम फंगसेस लिव इन एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स. For example, mycorrhiza, roots of pine trees, pinus कह दो, plus obviously there is glomus. Mycorrhiza, myco मतलब fungus, rhiza मतलब roots. Roots के साथ symbiotic relationship है. क्यों होगा symbiotic relationship? Because fungus क्या कर सकती है बेटा? ये fungus यहाँ क्या कर रही है? Fungus हमेशा बहुत अच्छे से spread करती है. स्प्रेड करके वो क्या करती है? न्यूट्रिशन को
एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, इट कैन गिव इट टू द प्लांट्स, दैट इज व्हाई इट इज रेफर टू एज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आपके साथ रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन जो होती है फंगस में, वो दोनों ही मेथड से होती है. वन मेथड इज योर सेक्सुअल मेथड, द अदर मेथड इज योर एसेक्सुअल मेथड. सिंगल सेल जो गोले बनाते हैं, उन गोलों को क्या कहते हैं? प्रोपोग्यूल्स, मतलब जो स्प्रेड करेंगे फंगस को. सिंगल सेल जो स्प्रेड करेंगे फंगस को, उसको प्रोपोग्यूल्स कहते हैं. वो डिस्पर्स होते हैं. अगर आपको मैं एक स्पेशल चीज दिखाऊं, एक सेकंड के लिए आई विल ड्रॉ अ डायग्राम एंड आई विल शेयर इट विद ईच वन ऑफ यू. तो अगर आपने कभी फंगस को देखा है, तो आपने देखा होगा ये ऐसे कैप होती है, राइट? अगर आपने कभी देखा है फंगस को, मशरूम तो हम सब खाते ही हैं, राइट? आपने देखा ही होगा. तो इस पार्ट को कैप कहते हैं. मैं इस पे आऊंगी अभी. इसको कौन सा कैप कहते हैं, मैं इस पे आऊंगी. इसके नीचे यहाँ पर अगर आप अंडर सरफेस पे देखोगे, तो ऐसे लाइंस होती हैं. कितने बच्चों ने देखा है? उन्हें गिल्स कहते हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड इट? गिल्स कहते हैं. ये जो स्टॉक होता है, इस स्टॉक को हम स्टाइप कहते हैं, स्टाइप. और ये जो गिल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं स्पोर. क्या रिलीज करते हैं? स्पोर्स. इज दैट क्लियर? और इस स्टॉक के अंदर ये क्या होते हैं बेटा? ये स्टॉक के अंदर ये क्या होते हैं? हाइफे. हाइफे. और मिट्टी के नीचे भी क्या होते हैं बेटा? मिट्टी के नीचे ऑल्सो वॉट इज देयर? मिट्टी के नीचे ऑल्सो यू हैव अंडरग्राउंड हाइफे. ठीक है जी, स्टॉक को कहते हैं जी हम स्टाइप. हाइफे हैं, गिल्स से स्पोर. गिल्स आर अंडरग्राउंड मटेरियल. अंडरग्राउंड मतलब इसके इसके कवर के नीचे. समझ आया? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट. ठीक है, डन. ओके, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. तो यहां से क्या रिलीज होंगे? स्पोर्स. स्पोर्स क्या है बेटा? आपके जो लिखा हुआ था वहां वर्ड में, स्पोर्स आपके प्रोपोग्यूल्स हैं. यस एवरीबडी, स्पोर्स आपके प्रोपोग्यूल्स है. ये देखिए, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो स्पोर्स आर योर प्रोपोग्यूल्स. दीज स्पोर्स आर द वंस विच आर गोइंग टू स्प्रेड. इफ द स्पोर्स आर ऑन द आउटर सरफेस, इट इज रेफर्ड टू एज एक्सोस्पोर्स. इफ द स्पोर्स आर कवर्ड बाय समथिंग एंड दे आर इनसाइड, इट इज रेफर्ड टू एज एंडोस्पोर्स. So what are the two types of spores? If they're towards the outer surface on their own, I'm going to call them exospores. If they're on the inside, I'm going to call them endospores. So if you look closely here, they are outside. This is conidia. Conidia is penicillin. It's on the outside. It is a exospore. Please write it down. And see, this is the covering. Spores are inside. Covering burst hogi to. This is endospore. This is sporangiospore. I will do it in detail. So you have the exospores and you do have the endospores. Jo spores meiosis ke baad banenge, the spores which can be motile, jinke paas flagella hoga, are called the zygospores, zoospores. Jo spores meiosis ke baad banenge, after meiosis, they are referred to as the basidio or the ascospores. Right? They are referred to as the basidio or the asco after meiosis. The spores which are by asexual reproduction. Meiosis is sexual reproduction. After meiosis, Manas, Nidhi, Krishnaveni, Tanisha. After meiosis, meiospores. Meiosis is sexual reproduction. The spores which are produced asexually, without sexual reproduction, what are they called? Mitosis ke baad, mitospores. Meio, mito. Mitospores ke examples kaun kaun hai bata dijiye, please tell me. What are the examples of mitospores? Zoospores, sporangiospores, chlamydospores, oidia and conidia. Is that clear? Please write a yo on the chat section. Please, it's my request you. Write a yo on the chat section right now. Zoospores, sporangio, chlamydia, oidia, conidia. They are with mitosis. It is mitospores. Understood?
अंडरस्टूड हो, येस और नो? वेल डन. इससे पहले वाले कौन थे? मियोस्पोर्स. मियोस्पोर्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं. उसमें कौन था? एस्को और बैसिडियो. रट्टा मारना पड़ेगा. माइटोसिस, माइटोस्पोर्स. उसमें कौन है? जूस्पोर्स, पोरांजियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओइडिया एंड कोनिडिया. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. अगला साइकिल, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स. व्हाट आर द थ्री स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल? बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी पे तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद मैं आपको सारी फंगसेस कराऊंगी. इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग क्लास. ओके, सारी फंगसेस आपको करवानी है उसके बाद मुझे. चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए बेटा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या होता है? या तो गैमीट मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे. अगर नॉन मोटाइल होंगे थ्रू वाटर करेंट्स, राइट? आफ्ताब आलम, मानस राजपुरकर. सो द टू गैमीट्स आर गोइंग टू मीट, आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल. व्हेन द टू गैमीट्स मीट, आई एम गोइंग टू कॉल इट स्टेप नंबर वन. बोथ ऑफ देम हैव मेट. इट इज द फर्स्ट स्टेप. दे आर आइदर मोटाइल, दैट मींस दे कैन मूव, और वाटर करेंट्स और एयर और वॉट एवर दे गोइंग टू मीट. That is called the plasmogamy. P is the first step. Plasmogamy is step number one when both of them are going to meet, fusion. Nuclei of both gametes, पहला ऐसा होगा dikaryophase. दोनों nuclei अलग अलग है, N और N, बहुत attitude वाले nucleus है. They are not going to meet. After some time the nuclei are going to meet. पहले दोनों nuclei. In the cytoplasm both the nucleus are going to be there separate. When they meet it's called as karyogamy. So after plasmogamy gametes के न्यूक्लियाई फ्यूज. एंड लास्ट स्टेप इज देयर विल बी मियोसिस, बिकॉज इट इज एन प्लस एन टू एन एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. सो आई रिपीट, दिस इज एन, दे आर गोइंग टू फ्यूज. स्टेप नंबर वन प्लाज्मोगैमी, बट इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. एन प्लस एन इज इन द साइटोप्लाज्म बट दे हैव नॉट मेट. सो स्टेप नंबर टू कैरियोगैमी. What is step number two? They will fuse and form 2N. Now because it is 2N, it needs to undergo meiosis. That is step number three. And after meiosis, again N and N spores will be released. This is the most common part. Step number three is meiosis. So first step is plasmogamy. Second step is karyogamy. Third step is meiosis. In the cytoplasm, when both of them are separate, it is the most common MCU question. It is called as dikaryophase. Is that clear? ठीक है? ओम एंड जय पटनायक. कह रहे हमें बोर हो रहा है. बेटा एक काम करो ना, आप ऐसे टीचर के पास चले जाओ जो आपको पढ़ाए नहीं, गाने सुनाए, टाइम पास करे. तो जाओ, आपको किसने रोका है यहाँ? हमने तो बुलाया नहीं. आ जाते हैं अपने आप. क्या कहते हो बच्चों, है ना? ओम एंड जय पाठक. आप एक काम करिए बेटा, आप प्लीज़ जाइए, है ना? फिर गाने वाने सुनिए. नीट में तो यही आएगा कि डाइकैरियोफेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, दिल किसने किसको दिया उस पर क्वेश्चन आएंगे. तो आप जा सकते हैं बेटा. यस, बायोटोनियन से बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं. आपको तो किसी ने रोका नहीं है यहाँ पे, राइट? सेल्वा कुमारी. सो बाय बेटा. आपको वैसे भी मेरे को लगता है मेरे बोलने से पहले ही एडमिन ने ब्लॉक कर दिया है. तो प्लीज़ आई होप आप इंजॉय करें अपनी लाइफ. थैंक्स मंजुनाथ. वी बायोटोनिक इज स्टडी माड़बेकष्टे, मतेनिल्ल, राइट? ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड? डाइकैरियोफेस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. मैं यहाँ एमसीक्यूज मार्क कर देती हूँ. कैरियो प्लाज्मोगैमी स्टेप नंबर वन एमसीक्यू क्वेश्चन, कैरियोगैमी स्टेप नंबर टू, दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू. मियोसिस पे इतने एमसीक्यूज नहीं आते. डाइकैरियोफेस इज एमसीक्यू. टू न्यूक्लियाई पर सेल, द टू न्यूक्लियाई पर सेल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे. तो देखो, क्लासिफिकेशन पे मैंने हर एक पे कॉमन नेम क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या फॉर्म करते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. सो ईच वन ऑफ देम आई हैव डिस्क्राइब्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईच वन ऑफ देम आई हैव डिस्क्राइब्ड. आई विल डू इट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स विद यू. ओके, Okay, then I'll do a test of chapter 1 and 2. What say? Tuesday, can we do a test of chapter 1 and 2? And अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फील हो रहा है, यार मेरी पढ़ाई टाइम पे नहीं चल रही, मेरी पढ़ाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है. तो मैं मंडे का आपका लेक्चर, पता है मैंने क्या रखा है? हाउ टू गेट स्टडीज बैक ऑन ट्रैक. कितने बच्चों को फील हो रहा है मेरी पढ़ाई टाइम पे नहीं चल रही, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आई वॉन्ट टू गेट माई स्टडीज बैक ऑन ट्रैक. सो हाउ मेनी ऑफ यू फील माई स्टडीज आई नीड टू गेट दम बैक ऑन ट्रैक इज समथिंग आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑन मंडे. Everybody done? So that is something I'm going to be discussing in detail on Monday. चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. Let's quickly back on track. मैम चल भी रही है पर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो I will discuss that on Monday. सबसे पहले आ जाइए phycomycetes, phycology. Phyco is plants, right? Ascus का मतलब होता है sac, ऐसा जो ऐसा गोला सा. Basidium का मतलब होता है club, तो जो ऐसा होता है.
एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज इज फंगा इम्परफेक्टा है. फाइको होता है प्लांट्स, तो जो प्लांट्स बेसिकली प्लांट खाने वाली चीज़ों में पौधों में फाइकोमाइसिटीज, म्यूकोर, राइजोपस, एल्ब्यूको, मस्टर्ड, देखो पौधों पे जो प्लांट्स में आएगी उसको फाइकोमाइसिटीज कहेंगे. जो सैक सैक शेप सैक थैला थैले शेप की फंगस होगी एस्कोमाइसिटीज. जो क्लब हॉकी का स्टिक क्लब हो गया, गोल्फ का स्टिक क्लब हो गया, क्लब शेप में होगी उसको बैसीडियम इज क्लब, उसको बैसीडियोमाइकोटा कहेंगे. और जो फंगा इम्परफेक्टा हो गया विच विल लीड टू द नेक्स्ट वन दैट इज आफ्टर फंगा प्लांटी एनिमेलिया राइट दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसिटीज. सो आई रिपीट, वी हैव फाइकोमाइसिटीज, वी हैव एस्कोमाइसिटीज, वी हैव बैसीडियोमाइसिटीज एंड वी हैव ड्यूटेरोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज में आएगा ब्रेड मोल्ड, जो ये ब्रेड पे उग जाती है, ये वाली फाइकोमाइसिटीज है आपकी, आपको दिखाई दे रही है ब्रेड पे काले काले डॉट्स पड़ जाते हैं, दैट्स फाइकोमाइसिटीज. एस्कस इज एल्ब्यूगो, मस्टर्ड सरसों पे आती है, एल्ब्यूगो, ये सारी फाइकोमाइसिटीज हैं, प्लांट्स में उगती हैं. एस्को इज सैक लाइक फंगस, राउंड राउंड. ईस्ट हो गई सैक्रोमाइसिस, पेनिसुलम, एस्परजिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा क्रासा विच इज द वंडर ऑफ द फंगल किंगडम, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्लाविसिप्स पॉर्प्यूरा एंड न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये आपकी एस्कोमाइसिटीज हैं. मशरूम्स जो आपने फर्स्ट में देखे थे राइट, इस शेप का वो रेड वाला दिखाया था, एगारिकस, यूस्टिलैगो जो स्मट कॉज करता है, प्यूसिनिया जो रस्ट फंगस है, यूस्टिलैगो स्मट एंड प्यूसिनिया रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, दे आर बैसीडियोमाइसिटीज. अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनका नाम होता है फंगाई इम्परफेक्टाई क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं राइट. एक एक करके सारे फंगस देखते हैं. सो लेट्स फर्स्ट कम टू फाइकोमाइसिटीज, देन वी विल कम टू ऑब्वियसली एस्कोमाइसिटीज, देन वील कम टू बैसीडियोमाइसिटीज एंड देन वी कम टू ड्यूटेरोमाइसिटीज. और अगर कोई है जिसको यहाँ टाइम पास करना है, इफ देयर इज एनीबडी हु वांट्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, मैं आधा घंटा चैट सेक्शन, यहाँ तो मेरे पास बड़ी स्क्रीन नहीं है पर मैं आपकी चैट सेक्शन में बातें करूँ, मैं ऐसे कोई वर्ड्स चुन चुन के लाऊँ और आपको हंसाऊँ, तो वो सॉरी मुझे नहीं आता है, मुझे पढ़ाना आता है, आई एम गुड एट इट, मैं वही कर रही हूँ. बट इसके अलावा अगर आपको मस्ती करनी है, आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, आपको 10-15 मिनट गप्पे मारनी है, आधा घंटा आपको टाइम पास करना है, तो आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं. यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ओके, चलिए. सो आगे बढ़ा जाए. फाइको, फाइकोलॉजी इज प्लांट्स, माइकोलॉजी इज फंगस. सो फाइको होता है आपका प्लांट्स, माइको होता है आपका फंगस, एनिमल्स लिख रही थी मैं फंगाई, तो जो फंगस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं. ये ज़्यादातर गीले एरिया में होती हैं, जहाँ यू नो द वुड इज डिकेइंग, इट इज मॉइस्ट एंड डैम्प, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दे कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. They are obligate parasites. What are they, my dear kids? Obligate parasites. They are obligate parasites. Is that clear, everybody? A parasitic organism which cannot complete its life cycle without exploiting a suitable host is called as obligate parasite. It needs to live within somebody. For example, the pin mold. इसका कॉमन नाम होता है पिन मोल्ड, क्योंकि काला डॉट नजर आता है ब्रेड पे, काला डॉट नजर आता है ब्रेड पे, इट्स कॉल्ड द पिन मोल्ड. एल्गल फंगस, एसेप्टेट होती है, मैंने आपको एसेप्टेट समझा दिया, वेयर देयर विल बी नो पार्टीशन, इट विल बी सीनोसाइटिक, इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर मोटाइल, द स्पोर्स कैन मूव, मोटाइल स्पोर्स आर रेफर्ड टू एज जू स्पोर्स. They also produce aplanospores, chlamydospores and sporangiospores. Sporangiospores are endospores. I will come to the description of spores in the next class. Don't worry. Gametes can be similar. अगर दोनों gametes male female एक जैसे लगते हैं उसको isogamy कहते हैं. अगर दोनों gametes अलग अलग दिखेंगे उसको oogamy कहते हैं. When the male gamete is bigger. जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो मैंने आपको फ्रूटिंग बॉडी बोला, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस जाइगोस्पोर्स. एग्जांपल्स के नाम याद रखिए, म्यूकोर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द एग्जांपल्स? म्यूकोर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. म्यूकोर, राइजोपस, एल्ब्यूगो. व्हेन द गैमेट्स आर सिमिलर इट इज कॉल्ड आइसोगैमी, व्हेन द गैमेट्स आर डिसिमिलर इट इज कॉल्ड एन आइसोगैमी. एस्कोमाइसिटीज आर नोन एज सैक थैला, बोला था ना थैले की तरह लगेंगे गोल. सैक फंगस, सैक 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 फंगस, सैक फंगस. कई यूनिसेलुलर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलम. देर इज नो कवरिंग आउटसाइड, देखो बाहर कोई कवरिंग नहीं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सोस्पोर. इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉनिडियोस्पोर, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज कॉनिडियोस्पोर. दे डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइटिक, दे आर डीकम्पोजर्स.
राइट, एंड दे ऑल्सो ग्रो ऑन डंग, काओ डंग, दे ग्रो ऑन काओ डंग, और दे आर पैरासाइटिक, दे आर पैरासाइटिक, इज दैट क्लियर? पैरासाइटिक, परफेक्टो, परफेक्टो, एनी डाउट्स? यस, एनी डाउट्स? चले, क्या कहते हो? आगे आ जाओ। पैरासाइटिक होते हैं, ये एडिबल फंगस होता है, इसको कहते हैं, इट ग्रोज इन द हिल्स, उत्तरांचल में होता है, हिमाचल में होता है, इसको गुच्छी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। इट इज लाइक सम 25,000 रुपीज फॉर 1 kg, मॉरल्स एंड ट्रूफल्स, एडिबल खाए जाते हैं ये। क्या करते हैं लोग इन्हें? पीपल ईट दे मॉरल्स एंड ट्रूफल्स। क्या कहते हैं बता दो मुझे दोबारा? मॉरल्स एंड ट्रूफल्स। सो एस्कोमाइसिटी सैंक फंगस, इनमें सेप्टेट होंगे, दैट मीन्स दे विल हैव दीज, ब्रांचिंग होगी, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉनिडिया जस्ट लाइक पेनिसिलम बडिंग करेंगे, ईस्ट की तरह बड्स बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिमिलर गैमिट्स, आइसोगैमी, डिससिमिलर, अगर ऐसे हैं गैमिट्स, आइसोगैमी, एक गैमिट ऐसा है और दूसरा गैमिट ऐसा है, एन आइसो। और सैक के अंदर सारे किसके अंदर डेवलप होंगे? स्पोर्स, सैक के अंदर, फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, जिस बॉडी के अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं इसको सैक कहते हैं। इसके अंदर जो स्पोर डेवलप हो रहे हैं उनको एस्कोस्पोर कहते हैं। आया समझ में? राइट अ यू ऑन द चैट सेक्शन, राइट अ यू ऑन द चैट सेक्शन। राइट अ यू ऑन द चैट सेक्शन। राइट अ, जल्दी लिखो, ऐसे नहीं काम चलेगा। डन, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी को एस्को कार्प कहेंगे, जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, एमसीक्यू में आता है। क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम। देखो बेटा, जब हमारा ये 11 खत्म हो जाएगा ना, ये सारी चीजें मैं आपको करा दूंगी। पूरे फंगस में से एक क्वेश्चन आना है, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा सीनोसाइटिक, एसिनोसाइटिक पे, सेकंड क्वेश्चन आएगा कॉनिडियम पे, थर्ड क्वेश्चन आएगा एक्सोस्पोर कॉनिडियोस्पोर्स पे, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा मॉरल्स ट्रूफल्स पे, मॉर्शेला एस्कुलेंटा एडिबल है। तो आपने अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी, ये अभी एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं आपको करवा दूंगी। एस्पर्जिलस नाइगर, क्लाविसेप्स परफ्यूरा, न्यूरोस्पोरा आर द कॉमन एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू। एस्कोमाइसिटिस की मुझे एग्जाम्पल बताइए, बताइए जल्दी बताइए। एस्कोमाइसिटिस की एग्जाम्पल, एस्पर्जिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा आर द कॉमन एग्जाम्पल्स, कॉमन फंगाई जो एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करती है। चलो, किंगडम माइकोटा, बैसीडियम, क्लब फंगस। बैसीडियम क्या होता है बेटा? जो आपने जो ये हॉकी का अगर स्टिक होगी ना, बैसीडियम ऐसा, ये बैसीडियम क्लब। अगर आपका गोल्फ का है, क्लब, क्लब फंगस, क्लब, क्लब आप कहते हो जो हॉकी की स्टिक होती है उसको क्लब कहते हो, जो गोल्फ की स्टिक होती है उसको क्लब कहते हो। समझ आया कि नहीं आया? सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम इज डाइकैरियोटिक। क्या होता है आपका सेकेंडरी माइसीलियम? डाइकैरियोटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओइडिया, ओइडिया कैसे फॉर्म करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बैसिडियोस्पोर्स। क्या नाम होता है? बैसिडियम क्लब है ना, वहां पे नाम क्या था? एस्कोस्पोर्स। यहां पे नाम क्या है? बैसिडियो। और ये डंडी के ऊपर स्पोर लगे होते हैं, स्टिगमाटा के ऊपर, डंडी के ऊपर स्पोर लगे होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी वहां क्या थी? मैंने आपको थैले को क्या बोला था? एस्कोकार्प, उसके अंदर एस्कोस्पोर। यहां पे बैसिडियोकार्प, बैसिडियोकार्प के अंदर बैसिडियोस्पोर। समझ में आ रहा है? अगैरिकस मशरूम, यूस्टिलागो स्मट एंड प्यूसिनिया। लास्ट स्लाइड बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन थी, लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस का नाम होता है फंगाई इम्परफेक्टा, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगस एंड प्लांट्स। सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होते हैं, कॉनिडिया बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। ये आ चुका है 100,000 times इन एमसीक्यू, इसीलिए उसको नाम दे दिया इम्परफेक्टा है। क्या नाम दे दिया इसलिए बेटा? इम्परफेक्टा है। क्यों नाम दे दिया इम्परफेक्टा है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। यस,
फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, गॉट इट? ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम आता है एमसीक्यू. तो इसके साथ हमारा सारा फंगस एक बार के लिए खत्म होता है. आर यू ऑल एबल टू फॉलो मी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Are you all able to follow me and understand what I'm trying to tell you? Hi everybody, everybody, everybody. Yes ma'am, perfect. अब मैं आपको MCQ कराती हूँ, but before I go to the MCQ, मेरे बच्चों, मैं आपको एक important चीज़ बताना चाहती हूँ, which is very important from my side. एक बहुत, बेटा 11th को lightly मत लो, please, lightly मत लो. आप 11th को lightly लोगे, 12th वालों की सबसे बड़ी problem होती है stress. 12th का stress नहीं होता, उनको 11th का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उनकी 12th भी वेस्ट होती है. मंडे को मैं 5 PM स्पेशल लेक्चर ले रही हूँ फॉर 11th एंड 12th, हाउ टू कम बैक. क्या करें, हाउ टू कम बैक? 11th को लाइटली मत लीजिए, इट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल इन द एंड. बेटा प्लीज, 11th तो आपको स्ट्रेस नहीं है, एग्जाम है, 1.5 साल है, आराम से, यू नो, वी जस्ट गेट अप 1 week 10 days बिफोर द एग्जाम, बट इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी एग्जाम. यू हैव टू बिकम डॉक्टर, राइट? यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू बी ऑन योर टोज. ऐसे नहीं होगा. अगर आप सोचोगे आराम से लास्ट दिन पढ़ के हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड दैट इज द रीजन वाई आई रियली वॉन्ट यू टू जॉइन दिस. आप सोचिए, आप एटलीस्ट दिस इज द अमाउंट यू डोंट स्पेंड ऑन अ बर्थडे पार्टी, डोंट गेट अ केक 1 year, आस्क योर पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू ट्राई इट फॉर 1 month. ट्रस्ट मी, वी डोंट इवन हैव 1 single डिससेटिस्फाइड चाइल्ड. आपको आकर पता चलेगा हाउ मच हैव यू मिस्ड, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. आपके 11th का बोर्ड्स, आपके KVPY, आपका नीट, आपके नोट्स, आपका टेस्ट, आपके डाउट्स, आपका मेंटोरशिप, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन, योर इमोशनल क्वेश्चन, देर इज नथिंग विच वी हैव नॉट डन. कोड VD Pro है, आपको मैं लिंक भी बता चुकी हूँ. यू जस्ट नीड टू गो बिलो द लेक्चर हियर, वेदांतु प्रो, गो हियर एंड जस्ट से आई वॉन्ट टू लॉग इन, आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर 1 month, यूज माई कोड VD Pro फॉर माई मेंटोरशिप एंड माई गाइडेंस. यू वॉन्ट मी टू बी आंसरेबल फॉर योर रिजल्ट, गो गेट दिस. ठीक है, आ जाओ, प्रेजेंट कर लेते हैं बेटा. आपका कोड है 5316947 1. आइए, 5 minutes, वी आर एंडिंग द क्लास, जल्दी 5316947 1. आपको मैंने एंड में क्वेश्चन भी देना है, शुरू में तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है अबाउट द टॉक्सिन्स. 5316947 1. I'm going to move ahead quickly. 5316947 1. Starting in 5 4 3 2 1. Question number 1. Easy peasy. Basidiomycetes are correct except.
दिस इज इनकरेक्ट. ए सेक्सुअल स्पोर्स, नो सेक्सुअल स्पोर्स. वेल डन बी. माधव व्हाट डू वांट मी टू रिपीट माय डियर चाइल्ड, प्लीज डोंट मिस क्लिक गाइज. इतना इजी. अभी एक क्वेश्चन और देना है बेटा, थोड़ा जल्दी चलो. एक क्वेश्चन देना है जिसका आंसर आपने कॉमेंट सेक्शन में देना है. वो फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये तो आता है. काइटेन और सेलुलोज नहीं भूलेंगे मेरे बच्चे, चुन्ने मुन्ने पूरे. क्वेश्चन नंबर 3. लास्ट में बताया था, शुरू में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू में बताया था, लास्ट में बताया था. जल्दी आंसर करो. टिडिंग टिडिंग टिडिंग. ओनली एसेक्सुअल स्टेजेस आर नोन. वेल डन. देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कितने बार बताएंगे चुने मुन्ने गैंगस्टर्स नहीं समझ रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हैं. ओके माधव जी, चलिए सुने मुने गैंगस्टर्स. अंशुल जी दे दिया शाउट आउट. क्यों प्रोटोजोआ में इंक्लूड नहीं किया, ऐसा क्या है उनमें कि प्रोटोजोआ में नहीं किया? वेल डन मेरे बच्चे, चुने मुने गैंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं. इट शोज सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वेल डन. चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 5. मेरे बच्चे आर द बेस्ट इन द कंट्री. बिजी बी, क्यूटी बीज, ऑब्वियसली फंगस प्लांट खुद को ही डिकम्पोज कर देगा. एनिमल आके डिकम्पोज कर देंगे उनको, खा जाएंगे. यस, कुछ भी है ये, कुछ भी. क्यूटी पाइज कुछ भी करते. देव प्रसाद यू डूइंग वेरी वेल. कीर्तन कृष्णा मैंने हिमांशु स्नेहा निशिता कीर्तन स्नेहा एंड यशवी थनीशा एंड देव प्रसाद. वेल डन द ट्रूली बेस्ट किड्स. अब आज का क्वेश्चन सुनते हुए जाओ. आज का क्वेश्चन ये है, इन एवोल्यूशन यू हैव टू थिंक. आज के सारे क्वेश्चन थॉट वाले. पहले मैंने टॉक्सिन्स का पूछा, दूसरा क्वेश्चन इन एवोल्यूशन, इज फंगस द मोस्ट इंपॉर्टेंट? येस वाई, नो वाई. In evolution, is fungus the most important? Yes. Why? No. Why? Think and tell me. Done? Yes, everybody. Viruses or lichens karwayenge agli class mein chunne mono gangsters. Don't you worry. Well done, Sneha Jha. First time on leaderboard. Tanishka, first time I think on leaderboard. Kirtan, Ishita, Sneha, Himanshi Patidar, Krishnaveni. Well done. Chapter wise, Balaji. टेक केयर बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VD Pro 11th को वीक नहीं छोड़ना है.
नहीं छोड़ना 11th को वीक. ये रहा आपका कोड वीडी प्रो, आइए लगाइए एंड जस्ट गेट दिस 2700 फॉर 11, 3060 फॉर क्लास 12. बाय किड्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय.